नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक आयरिश। आज का ये वीडियो एक HP के लैपटॉप के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप HP के किसी भी लैपटॉप में किस तरह से उसके बायोस यूटिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा, क्या क्या यूजेस उसके होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, उसी के अंदर एक बूट ऑप्शन आपको मिलता है जो कि आपके बूट ऑर्डर को सेट करने के काम आता है, या फिर बूट ऑप्शन इनेबल या डिसेबल करने के काम आता है कि आप किस किस डिवाइस से या किस किस सोर्स से आप इसे बूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये सब बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डिटेल अगर आपको समझ में आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम पावर ऑन बटन दबाएंगे और उसके बाद F10 इसमें की हम प्रेस करेंगे। F10, देखिए F10 की मैंने यहाँ से प्रेस की है और ये देखिए यहाँ आपका बायो सेटअप यूटिलिटी खुल गया है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहला टैब है मेन, जिसमें कि आपको सिस्टम का टाइम, सिस्टम की डेट, प्रोडक्ट नेम, सिस्टम फैमिली और आपका प्रोसेसर की डिटेल, रैम की डिटेल, आपका बायोस का जो वर्ज़न है वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा आपका सिस्टम का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, जो कि एरो की से आप इसे चेंज कर सकते हैं, राइट साइड में आप एरो दबाएंगे। तो अगला टैप है सिक्योरिटी का टैप, जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सेट कर सकते हैं, पावर ऑन पासवर्ड सेट कर सकते हैं और इसके नीचे ये आप ये सब चीज़ें भी इसमें सेट कर सकते हैं। आगे इसमें देखिए अगला है इसका कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप लैंग्वेज, वर्चुअलाइजेशन आप इसमें, टेक्नोलॉजी आप इसमें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, फ़ैन ऑलवेज ऑन पे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ये चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है नेक्स्ट, वो है आपका बूट ऑप्शन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप बूट का ऑर्डर सेट कर सकते हैं। बूट ऑर्डर सेट करने के लिए नीचे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए UEFI बूट ऑर्डर। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि इसमें USB फ्लैश ड्राइव से भी ये करा हुआ है। सबसे पहले USB फ्लैश ड्राइव को चेक करता है बूट करने के लिए, अगर आप इसमें कोई बूटेबल पेन ड्राइव लगाते हैं। अगर वो नहीं होती है तो दूसरे नंबर में चेक करता है उस दूसरे नंबर पे चेक करता है आपकी हार्ड डिस्क को, जिसमें कि OS डला हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपका इंटरनल CD ROM और उसके बाद USB आपका CD और DVD ROM ये चेक करता है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, सबसे नीचे आना होता है। यहाँ पर आकर अगर आप F5 दबाते हैं तो ये बूट ऑर्डर ऊपर जाता है, F6 दबाते हैं, देखिए मैं आपको F5 जैसे मैं नीचे लाकर अगर F5 दबाता हूँ तो ये नीचे जा रहा है, F6 अगर मैं दबाऊँगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। जितना आप इसको ऊपर रखेंगे उतना इसका पहले इस्तेमाल होगा, बूट करते टाइम सबसे पहले यूज़ होगा, जितना नीचे करेंगे उतना बाद में। तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ से आप CD ROM बूट जो है इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, USB बूट आप इसमें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, नेटवर्क बूट आप इसमें इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और ये सबसे पहले पोस्ट हॉट की डिले जो लिखा हुआ है, ये आपका टाइम होता है कि आपको की प्रेस करने के लिए कितना टाइम मिलता है बूट करते टाइम। जिस हॉटकी को प्रेस करने के बाद आपकी बूट मेन्यू ऑप्शन इसमें आता है, तो ये 0 पे सेट है, तो ये बहुत कम ही टाइम, ना के बराबर टाइम देता है आपको इसके लिए। तो आपको इसलिए बराबर दबाना होता है। अगर आप इसको 2-3 सेकंड का कर देंगे तो ये टाइम आपको इतना टाइम देगा कि इतने टाइम में अगर आप की दबाते हैं तो बूट मेन्यू ऑप्शन खुलेगा, नहीं दबाएंगे तो विंडो लॉक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें एग्जिट का, जिसमें कि आप सेव कर सकते हैं, पहला, सेकंड इग्नोर करके एग्जिट करना, फर्स्ट सेव करके एग्जिट करना और थर्ड है आपका लोड सेटअप एज डिफॉल्ट। इसमें आपका डिफॉल्ट सेटिंग में इसे कर देगा और ये एग्जिट हो जाएगा। तो मुझे इसे सेव करना है, मैंने यहाँ से इसे सेव कर दिया, यस पर करके एंटर कर दिया, ये सेव हो गया। आप देखिए ये ऑन होगा और ऑन होने के बाद ये सबसे पहले इसमें आपकी जो सेटिंग है, अभी मैं इसको आपको बूट ऑप्शन भी दिखाता हूँ। देखिए ये बूट मैनेजर मैंने खोला है F9 को दबाकर। F9 अगर दबाते हैं तो बूट मैनेजर खुलता है, F10 अगर दबाते हैं तो बायोस यूटिलिटी आपका खुलता है। इसमें आप देखिए, इसमें अभी दिखा रहा है सिर्फ हार्ड डिस्क, उसके नीचे बूट फ्रॉम फाइल दिखा रहा है, UEFI फाइल। तो अभी इसमें पेन ड्राइव लगी भी नहीं है, क्योंकि देखिए रखी है पेन ड्राइव, तो ये पेन ड्राइव इसमें नहीं दिखा। अगर मैं इसे लगा दूंगा और ये पेन ड्राइव अगर बूटेबल होगी, यानी कि इसमें कोई विंडो वगैरह अगर इसमें राइट होगी, तो अगर मैं F9 दबाऊंगा तो इसे यहाँ लिस्ट में दिखा देगा सबसे ऊपर, और उस पर लाके अगर मैं एंटर कर दूंगा तो ये इसे यहाँ से ऑन कर देगा, आपकी विंडो को लोड कर देगा इंस्टॉल करने के लिए। तो इस वीडियो में यही था, ये इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी थी, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दे दी है।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।